बड़ी खबर दे दी देहरादून से। आईएएस रामविलास यादव को आज विजिलेंस कोर्ट में पेश करने वाली है। कल देर रात गिरफ्तार किए गए थे रामविलास यादव। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, देहरादून में विजिलेंस कोर्ट में पेश करेगी विजिलेंस की टीम। कल रात गिरफ्तारी हुई थी, देर रात रामविलास यादव को गिरफ्तार किया गया था और आज देखिए कोर्ट में इनकी पेशी होगी। विजिलेंस कोर्ट में पेशी विजिलेंस की टीम करेगी। लगातार पूछताछ हो रही थी, पूछताछ में संतोषजनक जवाब वो नहीं दे पाए थे और आज कोर्ट में पेशी होने वाली है, विजिलेंस की टीम कोर्ट में पेश करेगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कल देर रात गिरफ्तारी हुई थी और आज देखिए अब आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो बढ़ाई जा रही है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है जिसमें रामविलास यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और विजिलेंस की टीम आज कोर्ट में पेश करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विनोद इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, क्योंकि कल देर रात गिरफ्तारी हुई है और अब देखिए कोर्ट में पेशी करने के लिए प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, कब तक कोर्ट में विजिलेंस की टीम लेकर पहुंचेगी और क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी आज? बिल्कुल जया, देखिए गिरफ्तारी के बाद में 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है और उसी क्रम में जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी कल देर रात 2 बजे कर दी गई थी, जिसकी पुष्टि एडिशनल एसपी विजिलेंस रेणु लोहानी की ओर से कर दी गई है और पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसमें अलग अलग ठिकानों पर विजिलेंस जाँच कर रही थी। तमाम आईएएस जो रामविलास यादव हैं उनके तमाम ठिकानों पर विजिलेंस पूरी तरह से छापेमारी कर रही थी, तो पूरा ये मामला आय से अधिक संपत्ति से जोड़ कर देखा जा रहा था। वो कल विजिलेंस दफ्तर पहुंचे थे रामविलास यादव, जहां 13 घंटे की उनसे पूछताछ हुई है और देर रात 2 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया है। आज देहरादून में विजिलेंस कोर्ट में विजिलेंस टीम के द्वारा उनको पेश किया जाएगा और जो उसके बाद में कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ होगी, आखिरकार कोर्ट किस तरीके के निर्णय लेती है उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि 24 घंटे के बाद में यानी 24 घंटे के अंदर ही जो आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है। बिल्कुल, देखिए अभी 12 बजे का समय बताया जा रहा है कि देहरादून में विजिलेंस कोर्ट में रामविलास यादव को लाया जाएगा, उनको पेश कराया जाएगा, उसके बाद में किस तरीके के निर्णय कोर्ट के रहते हैं वो तो उसके लिए तो इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये मानिए कि कल देर रात 13 घंटे उनसे पूछताछ हुई और देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई है और करीब 200 ऐसे दस्तावेज थे जो रामविलास यादव अपनी संपत्तियों का हवाला देते रहे और अब तमाम जवाब दिया, लेकिन संतोष जवाब बिल्कुल विजिलेंस के जो सवाल थे उनका नहीं मिला, कोई भी संतोषजनक जवाब रामविलास यादव नहीं दे पाए और अंततः रात 2 बजे उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि एडिशनल एसपी के माध्यम से की गई है। आज उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा और जिस तरह से विजिलेंस जांच कर रही थी लखनऊ से लेकर देहरादून तक, तमाम उनके ठिकानों पर छापेमारी की, आय से अधिक संपत्ति उन्होंने अर्जित की है, पूरा मामला फिर विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है, उसी क्रम में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसको लेकर आज रामविलास यादव को देहरादून के विजिलेंस कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद में आखिरकार रिमांड मिलती है किस तरीके की कानूनी प्रक्रिया रहती है, लेकिन कोर्ट का क्या निर्णय रहता है उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।